सर ये बताइए कि सीएबी पर जदयू को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर हैं, वह बार बार इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और पार्टी को और अपने नेता को पुनर्विचार के लिए आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, सबको कहने का, बोलने का, और पार्टियाँ भी, अलग अलग पार्टियाँ भी इसमें विश्वास करती हैं। तो जो विषय आपने रखा है उनका, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, अपनी बात वो कह रहे हैं, पार्टी ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया, पूरा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है और इस पर मजबूती के साथ खड़ा रहा लोकसभा में, राज्यसभा में, इसलिए पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है, ये उनकी निजी और व्यक्तिगत राय है। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया उसके बाद भी लगातार ट्वीट करना क्या मतलब? अब इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं ना। देखिए, कोई भी पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता, हम लोग जिस पद्धति में काम करते हैं, सभी पार्टियाँ, उसमें पार्टी के स्टैंड के साथ ही पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता रहता है। एक बार पार्टी ने कुछ स्टैंड ले लिया, पार्टी अध्यक्ष ने स्टैंड ले लिया, तो कोई भी कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा रहता है। और फिर पार्टी देखती है कि भाई अगर खड़ा नहीं है तो वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो देखेंगे, वो करेंगे। ममता बनर्जी के लिए साथ में काम कर रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी का असर तो नहीं है नीतीश कुमार से ज़्यादा? देखिए, ये है ना कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो गया है और इसमें आम जनता को चीज़ें समझ में आती कि कौन व्यक्ति किस कारण से क्या बोल रहा है। अब वो दौर है नहीं कि आप कुछ बोल के जनता के सामने दिखावा कर लेंगे। तो और ये जो इस बार का चुनाव या जो माहौल देश में है, पिछला लोकसभा चुनाव भी हुआ, समझिए राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ, नए भारत के निर्माण के लिए हुआ। और देश का नौजवान, गांव में रहने वाला किसान या सीमा पर लड़ने वाला जवान, सबकी एक राय है, वो नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ना चाहता है, सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो प्रशांत किशोर बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी, मैंने कहा, उनकी अपनी निजी राय है, वो कह सकते हैं।